command prompt. Is the command command line interpreter interpreter application available in most Windows operating system. हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, कि इसे कमांड लाइन इंटरप्रेटर है हमारा। दूसरी चीज है, ये एप्लीकेशन हर डेस्कटॉप और हर लैपटॉप में अवेलेबल होता है, इसमें विंडो इंस्टॉल है, ठीक है, आप उस पर जाइए क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट, दी कमांड प्रॉम्प्ट कमांड प्रॉम्प्ट प्रोग्राम्स अलाउ अलाउज द यूजर्स टू वर्क इन environment that looks more like a traditional operating system as opposed to the icon based operating system as आइकन बेस्ड विंडो एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द कमांड प्रॉम्प्ट प्रोग्राम्स अलाउज टू यूजर टू वर्क इन एन एनवायरनमेंट दैट लुक्स मोर लाइक अ ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम एज अपोज टू द आइकन बेस्ड विंडो एनवायरनमेंट। कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है कि आइकन बेस्ड विंडो एनवायरनमेंट है, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स को यूजेस करते हैं, हर अलग कमांड्स की अलग। थर्ड वन पॉइंट, is officially called window command processor but it is also sometimes called
the command shell or by its file name shell command shell, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट को हम कमांड शेल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी चीज क्या होता है, एंड बाय इट्स फाइल नेम cmd.exe, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट को अनदर नेम से जानते हैं, इसका नाम क्या है, कमांड शेल। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारा cmd.exe, cmd के अंदर हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जो इसका एक्सटेंशन नेम जो क्रिएट होगा वो क्या होता है, तो cmd.exe फाइल क्रिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन कमांड प्रॉम्प्ट कमांड प्रॉम्प्ट्स ओनली कीबोर्ड कैन बी यूज्ड एंड माउस कैन नॉट बी यूज्ड। एंड माउस कैन नॉट बी यूज, डॉस प्रॉम्प्ट पे अगर हम वर्क करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मोस्टली जो सबसे ज्यादा जो यूजेस करेंगे हम वो कीबोर्ड का यूज करते हैं, माउस का इस्तेमाल नहीं होता। अब अगर कोई गलती से कर ले तो वो अलग सी बात है, लेकिन जनरली कीबोर्ड का ही यूज होता है। जैसे टैली में भी क्या होता है कि टैली में सबसे ज्यादा कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है, माउस की यूजेस नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट्स वर्क at the lowest lower level than window, lower level LEVA, लेवल देन विंडो। कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है हमारा, लोअर लेवल सॉफ्टवेयर है ये, हायर लेवल सॉफ्टवेयर नहीं है। इन कंपैरिजन टू विंडो, विंडो का मतलब क्या हो गया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो गया, जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, इनकी कंपैरिजन में क्या किया गया, कमांड प्रॉम्प्ट को लोअर लेवल सॉफ्टवेयर करा गया। नेक्स्ट हमारा अंडर हेडिंग हम बता रहे हैं आपको ओपनिंग कैसे करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को, ओपनिंग अ कमांड प्रॉम्प्ट इसके
इसके दो स्टेप हैं, दो तरीका है कि आप दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। देयर आर टू कॉन्वेंशनल वेज टू स्टार्ट अ कमांड प्रॉम्प्ट। सर एक बार रिपीट कर रही है लाइन। बिल्कुल, देयर आर टू कॉन्वेंशनल वेज टू स्टार्ट अ कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, इसकी दो स्टेप्स हैं। स्टेप वन कैसे आप ओपन करेंगे या मेथड वन कर दे रहे हो? पहला तरीका क्या है? मेथड वन। तो मेथड वन में सबसे पहला तरीका है कि जैसे आप स्टार्ट पे जाएंगे, देन यू क्लिक ऑन प्रोग्राम्स एंड देन यू क्लिक फर्दर एसेसरीज एंड देन फर्दर क्लिक ऑन द फर्दर ओपन ऑन कमांड प्रॉम्प्ट। इस तरह से क्या होंगे, आपकी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएंगे। फर्स्ट यू क्लिक स्टार्ट, देन क्लिक प्रोग्राम्स एंड देन फर्दर क्लिक एसेसरीज, ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये पहला मेथड आपको मैंने बताया। दूसरा मेथड है सिंपल सा, मेथड टू। मेथड टू में सबसे पहले क्या करेंगे आप, तो स्टार्ट प्रोग्राम्स में आएंगे, स्टार्ट पे, देन रन कमांड को ओपन करेंगे। रन कमांड को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की आपका क्या होता है, विंडो प्लस आर, ये भी तरीका है। विंडो की, विंडो की का सिंबल आपको कीबोर्ड्स में कुछ इस तरह का मिलेगा, दिस इज अ विंडो की। नॉट टाइप, क्या टाइप करेंगे, तो टाइप सीएमडी करना है। अगर सीएमडी शॉर्ट फॉर्म में भी नहीं चाहते हैं, पूरा पूरा कमांड लिखना चाहते हैं, तो वो भी आपको एक्सेस कर लेगा, COMMAND। तो दूसरा हमारा एक सिंपल सा मेथड है कि सबसे पहले यू क्लिक ऑन स्टार्ट, रन, टाइप सीएमडी एंड या कमांड, दोनों में से कोई एक टाइप करें। ऐसा नहीं कि सीएमडी और कमांड दोनों टाइप कर दें। नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं डॉस के बारे में। डॉस कमांड कौन कौन से हैं जो कि मोस्टली यूज होते हैं? डॉस कमांड, कमांड प्रॉम्प्ट पे आकर के अब हम डॉस के कमांड को बारे में जान रहे हैं। एमएस डॉस की फुल फॉर्म पता है आपको क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहला इसमें जैसे कमांड्स में आपको बताना चाह रहा हूं, फर्स्ट कमांड है एमडी कमांड, या एमकेडीआईआर भी लिख सकते हैं। एमडी लिख सकते हैं या और कर, इसलिए मैंने लिखा एमकेडीआईआर। दोस्त कमांड is
used to creating new directory or subdirectory. MD या MKDIR का जो इस्तेमाल होता है वो ऑलवेज क्या करेगा, तो न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। और सब डायरेक्टरी के बारे में आपको मैंने बताया कि एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी भी बनाना हो उसके लिए कोई दूसरा कमांड नहीं होता है, इसके लिए भी हम MD या MKDIR को यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा की जैसे इसके एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं तो सी प्रॉम्प्ट पे आकर के ये क्या है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट कहेंगे। सी सी के साथ क्या आएगा, क्लोन आएगा, बैक स्लैश आएगा, देन इस तरह का आपका शो करेगा। अब यहाँ पे हमें जैसे कमांड को एक्सेस करना है, सीसी कमांड को हमें यूज करना है, इसके लिए जैसे हमने क्या लिखा, सिंपल सा एमडी लिखा। एमडी के आगे हमें क्या करना है, एक वाइड स्पेस देना होगा, स्पेस बार से स्पेस देना है। देन आपको जैसे डायरेक्टरी का नाम क्या रखना है, तो A1 डायरेक्टरी क्रिएट करना है, डायरेक्टरी का नाम हमारा क्या है A1। देन इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे क्या होगा कि सी डिस्क के अंदर हमारा एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा जो कि नाम क्या होगा हमारा A1 के नाम से बनता है, अगर ये कमांड टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड है हमारा सीडी के बाद में बताना चाह रहा हूँ, सॉरी एमडी के बाद सीडी कमांड होता है। सीडी बेसिकली क्या होता है, तो चेंज ऑफ डायरेक्टरी के लिए यूज करते हैं। सीडी स्टैंड को होता है चेंज ऑफ डायरेक्टरी। रोज कमांड is used to change a directory. CD का मतलब क्या होता है कि CD के साथ साथ बहुत सारी चीजें हम यूज करेंगे, जैसे हमें चेंज या डायरेक्टरी का मतलब क्या होगा कि जैसे आपने एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है, अब एक डायरेक्टरी का मतलब क्या होगा, जैसे हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया A1 के नाम से, अब इसके अंदर भी कोई एक डायरेक्टरी है B1, A1 से हमें B1 में जाना हो, यानी कि हमें क्या करना है चेंजेस करना है, कहां से कहां जाना है A1 से B1 पे जाना है, उसके लिए हम क्या नॉर्मल क्या यूज करेंगे CD कमांड का यूज। किसी एक डायरेक्टरी से हमें बाहर होना हो, बाहर होने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं सीडी कमांड का यूज करते हैं, इसलिए इसका क्या यूज कर रहे हैं हम चेंज ऑफ डायरेक्टरी बोल रहे हैं। दूसरा कमांड भी क्या होता है, इसके लिए सिंपल से एक और भी कमांड होता है जो कि हम सीडी के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे सीडी डॉट डॉट होता है नॉर्मल से। सीडी डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक डायरेक्टरी से एग्जिट होना है, जैसे सी के अंदर आप हैं, सी के अंदर A1 एक डायरेक्टरी क्रिएट है, अब हमें कहां पे आना है, तो सी प्रॉम्प्ट पे आना है, यानी कि यहां पे आना है, अभी कहां पे है सी प्रॉम्प्ट A1 डायरेक्टरी, तो नॉर्मल अगर हम यहां पे सीडी डॉट डॉट कर देंगे तो ये क्या करेगा A1 से एग्जिट कर देगा। एग्जिट का मतलब क्या हो रहा है, इससे बाहर, इस डायरेक्टरी से बाहर कहां आ गए आप C1 पे आ गए। अगर इसी तरह से अगर मल्टीपल आपका डायरेक्टरी बन रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल सी प्रॉम के अंदर है एक डायरेक्टरी, हमारा पहला डायरेक्टरी A1 है, B1 है, इसके बाद C1 है, तो मल्टीपल डायरेक्टरी बना हुआ है कमांड प्रॉम के अंदर हमारा, ध्यान से देखें तो डायरेक्टरी वन के अंदर सब डायरेक्टरी B1 और B1 के अंदर भी सब डायरेक्टरी हमारा क्या है C1 है। तो अगर हमें सपोज कर लेते हैं कि हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या शो करना है, तो A1
A1 हो, B1 हो, लेकिन C1 नहीं हो, C1 से हम बाहर हो जाए। तो C1 से बाहर होने के लिए ये डायरेक्टिव पे रहेंगे और सिंपल सा हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, CD डॉट डॉट। अगर CD डॉट डॉट कर दिया तो हमने किससे बाहर हो गया, X से बाहर हो जाएंगे। फिर से अगर आप CD डॉट डॉट कर देंगे तो किससे बाहर हो जाएंगे, आप B1 से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके आप इससे एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि हम वन टाइम में एग्जिट हो जाए। वन टाइम का मतलब क्या हो, तीनों डायरेक्टरी से एक बार में बाहर हो जाए, इसके लिए भी कमांड दिया हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, CD backslash press कर देंगे। अगर ये कमांड टाइप कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया तो इसका रिजल्ट क्या डिस्प्ले करेगा, वो रिजल्ट आपका ये होगा, यानी कि डायरेक्ट आप कहां पे आ जाओगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाओगे। ये तरीका है। नेक्स्ट कमांड देखते हैं आगे। नेक्स्ट कमांड हमारा है RMDIR, ठीक है, रिमूव है डायरेक्ट। RMDIR का मतलब क्या हो रहा है, रिमूव अ डायरेक्टरी, ठीक है, या RTDIR कर सकते हैं। दोस्त कमांड इज यूज्ड टू remove a directory, इसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट पे आकर के जिस डायरेक्टरी को हमें डिलीट करना हो उसके लिए हम RMDIR के साथ डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे। डायरेक्टरी का नाम सपोज कर लेते हैं कि कोई डायरेक्टरी हमने क्रिएट किया A1, A1 से क्या होगा, ये हमारा डायरेक्टरी क्या करेगा, रिमूव कर देगा। A1 से जो भी आपके लिस्टिंग में बना होगा उसको हटा के जाएगा। नेक्स्ट है पोर्ट नंबर के कमांड्स बता रहे हम, जिसके लिए सिंपल सा एक कमांड है DIR। DIR का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी। दोस्त कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी। DIR से क्या करता है, तो DIR अगर हमने टाइप कर दिया तो जो भी हम MKDIR करके फाइल डायरेक्टरी को बनाया होगा या सब डायरेक्टरी को बनाया है वो सारे को सारे एक बार में डिस्प्ले कर देता है। नॉर्मल हम क्या करेंगे, सी प्रॉम्प्ट पे आकर के आपको कमांड टाइप करना है DIR, ठीक है। या दूसरी चीज जैसे कि हम हमारे जैसे सपोज कर लेते हैं कि कोई हमने डायरेक्टरी सिर्फ फर्स्ट नाम हमारा क्या है, एस के नाम से अगर हमने डायरेक्टरी बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल एस रैम के नाम से एक डायरेक्टरी है, SD RAM के नाम से एक डायरेक्टरी है, ठीक है, सैन के नाम से डायरेक्टरी है, सैन के नाम से डायरेक्टरी है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी आप देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरी बने हुए, लेकिन इसके सबके कॉमन क्या है, हमारा फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, सबका कॉमन है। सबसे कॉमन तो होता क्या है,
कि फर्स्ट लेटर सबका एस से स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो हम चाहते हैं कि जितने भी एस वाले डायरेक्टरी बने हुए वो सारे के सारे शो करें, बाकी ए बी सी डी ये सारे शो नहीं करें। उसके लिए तरीका क्या है कि डी आई आर स्पेस डबल कोटेड के अंदर आप लिखेंगे एट स्टार और क्या टाइप कर देंगे एस टाइप कर देंगे। ये सारा का सारा जितना भी अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जितने भी होंगे एस के नाम से वो सारा का सारा डिस्प्ले कर देता है। डी आई आर से नॉर्मल टाइप करेंगे तो जितने भी अल्फाबेट से जितने भी डायरेक्टरी बने होंगे ए से बी से सी से डी से ई से वो सारे शो करेंगे, लेकिन हमें कोई स्पेसिफिक से ही देखना है, सिर्फ एस वाले ही से देखना है, उसके लिए हम क्या करेंगे एस्टेरिक एस के थ्रू प्रेस करेंगे वो सारा शो। इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे ए वाले चाहिए बी वाले चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कौन सा डी आई आर का मैंने बताया ना कि डी आई आर नॉर्मल अगर आप डी आई आर टाइप कर देंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे तो वो सारे के सारे जितने भी ए से बने होंगे डायरेक्टली बी से बने होंगे सी से बने होंगे वो सब का सब क्या कर देगा डिस्प्ले दिखा देगा आपको। क्लियर? हेलो आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ एस वाले नाम वाले ही डायरेक्टली को शो करें, ए वाले बी वाले सी वाले डी वाले और ई वाले शो ना करें, सिर्फ एस वाले शो करें। उसके लिए हम क्या करेंगे डी आई आर स्पेस इन्वर्टेड कॉमा स्टार लेंगे और उसके बाद जिस कैरेक्टर से आपको देखना चाहते हैं एस से भी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बताया स्टार हमने क्या लिखा एस लिख। इससे फायदा ये हो रहा है कि जितने भी आपके मतलब सी ड्राइव के अंदर आपके पहले से बने होंगे ना एस वाले डायरेक्टरी वो सबका सब डिस्प्ले करेगा। क्लियर? अगर आप चाहते हैं कि एस की जगह पे ए कर दें बी कर दें तो आप चेंजेस कर सकते हैं, लेटर वहां पे आप स्ट्रिंग का कैरेक्टर आप चेंज कर सकते हैं, कहां पे करेंगे एस की जगह पे चेंज कर ए कर दीजिए बी कर दीजिए डी कर दीजिए जो आपकी मर्जी। फाइल का पूरा नाम लिख करके भी सर्च कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो स्पेसिफिक आएगा ना, जैसे आप यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि हम फाइल डायरेक्टरी का नाम लिख करके लिखते हैं तो डी आई आर स्पेस हम सिर्फ एस रैम करेंगे तो सिर्फ आपका क्या डिस्प्ले करेगा एस रैम ही डिस्प्ले करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पांचवें नंबर पे कमांड बता रहे हैं टेक्स्ट कमांड है हमारा। टेक्स्ट कमांड में आपको हम फाइल को क्रिएट करना बता रहे हैं। अब हमने पहले हमने क्या बनाना सीखा फोल्डर बनाना सीख लिया, फोल्डर विंडो में हम फोल्डर कहेंगे और डॉस में हम क्या करें डायरेक्टरी करें। अब डायरेक्टरी के अंदर हम चाहते हैं कि फाइल को क्रिएट करें, जैसे फोल्डर आप बेसिकली क्या होता है कुछ इस तरह का आइकन होता है, देखा आपने डेस्कटॉप पे आइकन का जैसे फोल्डर का नाम क्या है A1। अब A1 के अंदर जैसे क्या हमारा कोई टेक्स्टुअल फॉर्मेट फाइल है, जैसे इस फाइल का नाम क्या कहते हैं हम A.txt फाइल है। txt किसका एक्सटेंशन नेम होता है बताएं जरा .txt .txt किस फाइल का एक्सटेंशन नेम है .word का नहीं not word सॉरी .txt अगर हमने हाँ वेरी गुड notepad का एक्सटेंशन है .txt और wordpad का क्या होता है wordpad का सर जी wordpad का क्या होता है भूल गए ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अगर हम ये .a.txt अगर हम लिख देते हैं तो नोटपैड की फाइल क्रिएट हो जाएगी, किस नाम से बनेगा तो ए के नाम से बन गया
ठीक है। अगर हमें जैसे वर्डपैड की फाइल बनानी है ए डॉट आरटीएफ कर देंगे, तो आरटीएफ क्या होता है हमारा रिच टेक्स्ट फाइल फुल फॉर्म होता है इसका, जबकि वर्डपैड का है। वर्डपैड आपको कल ही बताया गया था, उसमें बताया गया होगा ना एक्सटेंशन है, तो ठीक है। वर्डपैड का क्या होता है, हेलो आरटीएफ, आर स्टैंड फॉर रिच होता है, रिच इसकी फुल फॉर्म, बेसिकली सबके फुल फॉर्म होते हैं रिच। टी का फुल फॉर्म होता है टेक्स्ट, और एफ का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फाइल, ये फुल फॉर्म है आर टी एफ ए रिच टेक्स्ट फाइल। तो आप आगे भी आप इस तरह से बना सकते हैं ए डॉट डी ओ सी एक्स, ये तो पता है सबको ए डॉट डी ओ सी एक्स, एमएस डॉस, एमएस डॉस भी एमएस वर्ड डॉट डी ओ सी एक्स लिखा है हमने, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है एमएस वर्ड का है, ये एमएस वर्ड की फाइल क्रिएट हो जाएगा। ए डॉट डी ओ सी एक्स बोल रहे हैं, ए डॉट डी एक्स डॉक का मतलब क्या होता है डॉक्यूमेंट वर्ड से लिया गया, डॉक्यूमेंट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं तो एक्स लगा दिया गया, डॉक्यूमेंट्स बना दिया गया, डॉक्यूमेंट्स का है फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि टेक्स्ट की फाइल बना सकते हैं, आरटीएफ बना सकते हैं, डॉक्स बना सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सिर्फ एक्सटेंशन नेम चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसको हम यहाँ लास्ट प्रॉन्ट पे क्या बोलते हैं डायरेक्टिव बोल रहे हैं, तो डायरेक्टिव बनाना सीखा, इसको हम क्या बोल रहे हैं फाइल बोलते हैं। डायरेक्टिव या फोल्डर क्या कंटेन करता है, फाइल को कंटेन करता है, कोई भी जैसे उसके अंदर क्या रखेंगे फाइल को रखेंगे ना, जो टेक्सचुअल फॉर्मेट में जो फाइल होते हैं वर्ड का फाइल है या वर्डपैड का फाइल है या नोटपैड का फाइल है या एक्सेल का फाइल हो या पीपीडीएक्स की फाइल हो, वो सारा का सारा क्या करते हैं फोल्डर के अंदर कंटेन करके रखते हैं। फोल्डर क्या करता है तो कंटेनर टेक्सचुअल फॉर्मेट कर सकता है, इमेजेस कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप, ऑडियो रख सकते हैं, वीडियो रख सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे फिफ्थ कमांड में ये बताना चाह रहे हैं कि हम ये वाली फाइल को क्रिएट करना सीखेंगे, यानी कि फाइल बनाना सीखेंगे। डायरेक्टिव के अंदर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए फाइल बनाने के लिए हम कमांड यूज करेंगे कॉपी, यस सी ओ पी वाई कैपिटल लेटर्स में लिख दे रहे हैं ताकि क्लियर देखिए आपको कॉपी कौन, और यहाँ पे क्या करेंगे फाइल का नाम देना चाहेंगे आप, जो भी आप फाइल का नाम देना चाहेंगे वहां पे आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉपी स्पेस कौन ना कि एक साथ लिखेंगे, एक साथ नहीं लिखना आपको, एक साथ नहीं है, एक एक स्पेस दिया हुआ है सबके अंदर, कॉपी स्पेस कौन स्पेस फाइल का नाम, दोस्त कमांड, इज यूज टू क्रिएटिंग अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल को ये क्रिएट करेगा, कैसे क्रिएट करेगा उसके एग्जांपल बता रहे हैं आपको, सी प्रॉम्प्ट पे है, एक डायरेक्टिव हमारी पहले से क्रिएट है, डायरेक्टिव का नाम क्या है A1 है, और A1 के अंदर एक हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं कॉपी स्पेस कॉन स्पेस, फाइल का नाम क्या रख रहे हैं फर्स्ट FIRST फर्स्ट डॉट TXT,
ठीक है, कॉपी स्पेस कॉल स्पेस फर्स्ट डॉट टीएक्सटी, ये फाइल हम बनाना चाह रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको कर्सर क्या होगा, कमांड प्रॉम्प्ट के नीचे ब्लिंक करना चाहेगा। ब्लिंक का मतलब क्या हो गया कि आप कुछ भी इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते, जैसे हमने इंफॉर्मेशन टाइप करने चाहते हैं कि दिस इज एमएस लॉस कमांड, फर्स्ट डॉट टीएक्सटी, फर्स्ट फर्स्ट एफ आई आर एस टी फाइल का नाम लिखा है हमने, फर्स्ट डॉट टीएक्सटी, फर्स्ट एफ आई आर एस टी फाइल का नाम रखना है यहाँ पे, फर्स्ट डॉट टीएक्सटी, क्लियर है? फर्स्ट डॉट टीएक्सटी, टीएक्सटी नोटपैड का एक्सटेंशन नेम है ये, वो इंटर का साइन है, ये इंटर का साइन है, आप इंटर प्रेस करेंगे ना, इस तरह का कीबोर्ड पे आपका साइन आता है ना, इंटर प्रेस किया नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गए, एक लाइन हमने टाइप किया, क्या टाइप किया है, तो दिस इज एमएस टॉस कमांड, फर्स्ट लाइन टाइप किया। नेक्स्ट लाइन भी हम टाइप करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा कॉपी कमांड, कॉपी कॉल कमांड, कॉपी कॉल कमांड इज यूज टू क्रिएटिंग अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे लाइन वन है, लाइन टू है, दो लाइनें टाइप की है, एग्जाम्पल के द्वारा बताया। ये फर्स्ट फाइल का नाम क्या है, फाइल कमांड हम यहाँ पे कह रहे हैं कॉपी स्पेस कॉल, फाइल का नाम रहता है फर्स्ट डॉट टीएक्सटी। फाइल के अंदर हमने कंटेंट दो लाइन लिख रखा है, इस फाइल को सेव करना हो तो सेव करने के लिए फंक्शन की फंक्शन की आपको क्या प्रेस करना है, F6, F6 देखा है ना आपने, फंक्शन की होता है, वहां पे जाके आपको क्या करना है, फाइल को सेव कर देना है। ये अगर ए भी नहीं आता है तो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल जेड, यहाँ पे आपको आकर के कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो इससे क्या होगा, जो भी आपने दो लाइनें लिख रखा है वो आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अगर आपने F6 ना प्रेस किया हो या कंट्रोल जेड प्रेस ना करेंगे तो ये क्या होगा, जो भी आपने टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे वो सेव नहीं होगा। फाइल का नाम हमारा फर्स्ट डॉट टीएक्सटी है, उसके अंदर हमने लिखा दिस इज एमएस डॉस कमांड, कॉपी कमांड इज यूज टू क्रिएटिंग अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है। उसके बाद F6 टेस्ट करना है, अगर F6 में नहीं आता है तो कंट्रोल प्लस जेड से आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, सेव हो जाएगा। ये इस तरह से हमारी एक फाइल क्रिएट हो गई है, जो कि आपका कहाँ पे ओपन होगा, नोटपैड में ओपन हो जाएगा, नोटपैड की एक्सटेंशन दिया तो नोटपैड में ही ओपन हो रहा है। फाइल का नाम हमने क्या रखा, ध्यान देंगे आप, फर्स्ट डॉट टीएक्सटी, इस नाम से फाइल क्रिएट की, फर्स्ट डॉट टीएक्सटी। कंट्रोल प्लस जेड उससे पहले F6, उससे पहले और लिखा हुआ है, उसके बाद F6, या तो आप F6 यूज करो या कंट्रोल जेड यूज करो। नेक्स्ट है आपका 7 कमांड बता रहे हैं, सातवें नंबर पे टाइप कमांड होता है, टाइप के स्पेल नॉर्मल वही टाइप है, TYPE यूज करेंगे हम, टाइप TYPE कमांड टाइप किसलिए यूज करते हैं, दोस्त कमांड
is used to display of contents in a text file. Those command is used to display a contents in a text file. Contents जो भी होगा फाइल के अंदर उसको ये क्या करेगा, शो कर देता है. इसकी एग्जांपल देखिए कैसे आपको शो करेगा. इसके लिए हम सी प्रॉम्प्ट पे हैं. A1 के नाम से डायरेक्टरी है, वहां पे हम कमांड क्या एग्जीक्यूट करेंगे, टाइप. टाइप नॉर्मल हमने सिर्फ टाइप लिखा, लेकिन टाइप किस फाइल का आप टेक्स्ट देखना चाहते हैं उसके लिए फाइल का नाम देना कंपलसरी है. सिर्फ टाइप लिख देंगे तो स्लो नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं होगा किस फाइल का आप देखना चाह रहे हैं. उसके लिए हम फाइल का नाम लिखेंगे. फाइल का नाम क्या हमारा, तो अभी हमने एक फाइल बनाया है फर्स्ट डॉट. ठीक है, सी बैक स्लैश डायरेक्टली एक बना रखा है हमने A1. A1 एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर हमारा एक फाइल बनाया है फर्स्ट डॉट टेक्स्ट. यहां भी हमने वही लिखा है सी क्लोन बैक स्लैश A1. अब यहां पे अगर हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे टाइप स्पेस फाइल का नाम, उससे क्या होगा पता है आपको, तो जो भी हमने अभी फाइल क्रिएट किया था उस फाइल के अंदर जो भी आपका कंटेंट्स होगा, जो भी आपने कंटेंट्स लिख रखा था वो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा डिस्प्ले कर देगा. कंटेंट्स में क्या है, तो दिस इज एमएस डॉस कमांड, कॉपी कॉन कमांड यूज टू क्रिएटिंग अ टेक्स्ट फाइल. इसके अंदर लिखा था हमने फर्स्ट डॉट टीएक्सटी के अंदर लिखा था. नहीं डॉट है, डॉट कोई स्पेस नहीं लेना है आपको. फाइल का नाम जिस नाम से बनाएंगे ना डॉट के साथ लिखाएंगे, जैसे डॉट टीएक्सटी है, डॉट आरटीएफ, डॉट डॉक्स, वो लिखना होगा. टाइप के बाद पूछ रहे हैं आप, टाइप के बाद क्या पूछ रहे हैं बताइए. टाइप के बाद स्पेस देंगे, हेलो, टाइप के बाद स्पेस देंगे, टाइप स्पेस फर्स्ट डॉट टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्लियर. यहां पे स्पेस है, डैश स्लाइस हम दे रहे हैं मतलब स्पेस है, बाकी कहीं भी स्पेस नहीं होगा. नेक्स्ट कमांड देखते हैं, टाइप के बाद होता है रेन कमांड होता है, REN रेन. रेन का स्पेल लिखा है REN रेन. रेन का मतलब रीनेम बोल रहे हैं बेसिकली, तो रीनेम पूरा नहीं लिखते हैं, रेन लिखते हैं सर. किसी भी फाइल का नाम का चेंज कर सकते हैं इसके जरिए. दोस कमांड इज यूज्ड टू रीनेम रीनेम ऑफ फाइल. फाइल को रीनेम कर सकते, कैसे रीनेम करेंगे इसके एग्जांपल. सी क्लोन बैक स्लैश के अंदर, स्लैश के अंदर हमारा डायरेक्टली A1. अब A1 के अंदर
अभी हमने फाइल किस नाम से बनाया? टेक्स्ट फाइल किस नाम से? फर्स्ट है। हाँ, फर्स्ट को नाम को चेंज करना है हमें, उसके लिए कमांड क्या लिखते हैं? रेन। ठीक है, उससे पहले रेन टाइप किया हमने, कमांड प्रॉम्प्ट पे आके, इसी से कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट पे आके कमांड टाइप किया रेन, उसके आगे एक स्पेस देना होगा और स्पेस के बाद पहले पूछता है पुराना वाला फाइल का नाम क्या है, तो क्या लिखेंगे? रेन स्पेस, पुराना वाला फाइल का नाम हमारा क्या है? फर्स्ट डॉट टीएक्सटी। अब उसके बाद फिर कहता है कि नया क्या नाम रखना चाहते हैं, तो रेन स्पेस फर्स्ट डॉट टीएक्सटी, रेन स्पेस स्पेस सेकंड डॉट टीएक्सटी। इस तरह से क्या होगा, फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। फाइल का नाम चेंज करने का तरीका हमने क्या किया, सबसे पहले रेन वाइट स्पेस है, यहां पे भी स्पेस होगा, ये क्या हो गया हमारा ओल्ड फाइल है, लिखना जरूरी है आपको, इसके बिना फाइल का नाम चेंज नहीं होगा, ओल्ड फाइल नेम है ये। उसके बाद यहां पे हमने क्या किया, दिस इज अ न्यू फाइल नेम, आपको जो नया फाइल नेम रखना है वो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। तो इस तरह से किसी भी टेक्स्ट की फाइल को नाम हम चेंज कर सकते हैं। कमांड क्या लिखेंगे, रेन स्पेस फर्स्ट डॉट टीएक्सटी स्पेस सेकंड डॉट टीएक्सटी। अब फाइल के कंटेंट को अगर हम टाइप स्पेस फर्स्ट ऑफ टेक्स्ट की जगह पे देख रहे थे, वो अब नहीं मिलेगा, क्या बोलेगा, फाइल कैन नॉट बी एक्सेस, यानी कि इस नाम से आपकी फाइल नहीं है। फाइल का अगर हमें कंटेंट अगर देखना होगा अब, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड डॉट टीएक्सटी लिखना होगा, तभी आपका शो करेगा, क्योंकि नाम चेंज कर दिया। क्लियर है सबको? ठीक है, बोलिए किसी को नहीं समझ में आना। किसको समझ में नहीं आया, मुझसे पूछिए। हेलो, समझ में आ रहा है? कैसे चेंज करेंगे हनी, बताओ क्या? फाइल का नाम चेंज कैसे करेंगे? फाइल का नाम सी डायरेक्टरी। फाइल के कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करते हैं? फाइल के कंटेंट सी डॉट ए डायरेक्टरी टाइप फाइल का नाम। फाइल का नाम देखना हो तो कैसे देखेंगे, किस कमांड से? फाइल का नाम, जैसे हमें लिस्ट ऑफ फाइल का नाम देखना है, बहुत सारी फाइल बना रखा है, वो कैसे देखेंगे? तो उसका शो द ओनली टेक्सचुअल फॉर्मेट वाला जो फाइल बना है ना, फाइल को देखना है हमें, फाइल क्रिएट नहीं करना है, फाइल का नाम देखना है। नहीं नहीं और कोई बताए, फाइल का नाम देखने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे? नॉर्मल अगर हम डी आई आर भी लिख देंगे ना तो भी शो कर देगा। ठीक है, डी आई आर से डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी और फाइल का नाम भी शो करता है, इसलिए हमें वहां पे नहीं लिखा था, इसीलिए कि आपको समझ में आ जाए। तो डी आई आर से डायरेक्टरी भी शो करेगा, सब डायरेक्टरी भी शो करेगा, जो भी हम टेक्स्ट फाइल बनाएंगे ना वो भी शो करता है कि टेक्स्टुअल फॉर्मेट की जो फाइल बना है, किस डेट में बना, किस टाइम में बना,
कितने केबी की फाइल है वो सारी इंफॉर्मेशन DIR के जरिए दिखाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्टिव भी शो करेगा। डायरेक्टिव जो शो करेगा वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शो करेगा। जैसे डायरेक्टिव जब देखेंगे ना तो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट भी शो करता है, लेकिन फाइल जो होगा वो सिर्फ एक्सटेंशन नाम के साथ शो करेगा। एक लास्ट कमांड बता दे रहे रेंज के बाद मॉडिफाई करने के लिए भी हमने आपको बताया है, जिसके लिए कमांड यूज करेंगे एडिट कमांड। इसके लिए होता है EDIT, एडिट कमांड। दोस्त कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाइड टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ कंटेंट ऐड कर सकते हैं, कुछ कंटेंट रिमूव कर सकते हैं। जैसे कंटेंट हमें, इसके एग्जांपल बता रहे हैं कैसे हम मॉडिफाई करते हैं। सी प्रॉम्प्ट के अंदर /A1 डायरेक्टिव, A1 के अंदर किस फाइल को मॉडिफाई करना है, एडिट। उसके बाद क्या होगा, फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है हमारा, फाइल का नाम क्या है, second.txt। ये फाइल का नाम देना पड़ेगा, किस फाइल को मॉडिफाई करना है, विच फाइल, एडिट स्पेस second.txt। एंटर कर देंगे तो जो भी कंटेंट पहले से लिख रखा है वो पहले शो कर देगा इसमें। जैसे हमने इसमें क्या कंटेंट लिखा था, दिस इज डॉस कमांड, MS डॉस कमांड, ये शो हो जाएगा। और दूसरा लाइन भी हमने जो लिखा था कि कॉपी कमांड, कॉपी कॉन कमांड, इज यूज टू क्रिएटिंग अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, ये दो लाइन लिखा रखा था मॉडिफाई करने के लिए, यही दो लाइन शो करेगा। अब चाहते हैं कि यहाँ पे हम कुछ चेंजेस कर दें, कॉपी कॉन कमांड की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, DIR कमांड, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो DIR कमांड क्या होगा, DIR कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी। ठीक है, जैसे ही हम अगर एडिट मोड पे जाते हैं स्क्रीन क्या हो जाएगा, स्क्रीन जो होता है ब्लू मोड में शो करेगा, ब्लैक से क्या हो जाता है ब्लू मोड में हो जाता है। और कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे फाइल, फाइल का ऑप्शन आएगा, जैसे सॉफ्टवेयर में जो ऑप्शन होते हैं फाइल, एडिट, व्यू। ठीक है, फाइल में जाके आपको जो भी अगर आपने मॉडिफाई किया है, यानी कि यहाँ पे पहला लाइन हमने एज इट इज रहने दिया, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, लेकिन सेकेंड लाइन पे हमारा क्या कॉपी कॉन कमांड लिखा हुआ था उसको मॉडिफाई करके हमने क्या किया, DIR यूज किया। अब इस फाइल में यहाँ पे जाके पहले आपको क्लिक करना होगा फाइल में, सेव करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कमांड, फिर आपको फिर फाइल में जाना है और क्या करना है आपको एग्जिट में जाना है इस मोड से। ये दो ऑप्शन आपको क्लिक करना पड़ेगा। पहला तो आप जैसे ही एडिट करेंगे तो ब्लू मोड आएगा, ब्लू में ऑप्शन आपके हेडिंग पे शो करता है फाइल, एडिट और भी आगे ऑप्शन आएंगे, लेकिन फिलहाल हमें फाइल के यूजेस करने हैं। जो भी कंटेंट ऐड करेंगे उसको पहले सेव करेंगे और फिर कुछ और ना आगे ऐड करना, उसके बाद क्या कर लेंगे फिर हम
इसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब अगर हम टाइप सेकंड डॉट टीएक्सटी करेंगे तो फाइल के कंटेंट में अब क्या शो करेगा, ये दो लाइनें शो करेगा, दिस इज एनस्टॉस कमांड, और क्या शो करेगा, तो डीआईआर कमांड इज यूज टू डिस्प्ले अ डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी। इस तरह से हम अपने कोई भी टेक्स्ट फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। बोलिए। हेलो सर, एक मुझे पूछना था। पूछिए। प्री होता है? क्या होता है? ट्री कमांड। होता है ट्री कमांड। ट्री कमांड क्या करता है कि ट्री कमांड जो होता है ना, कि जैसे ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़ को कहा जाता है, पेड़ के अंदर जैसे कितनी भी शाखा होते हैं वो सारा शो कर देगा। ठीक है, जैसे कि आपने जैसे एक डायरेक्टरी बनाया A1 B1 C1 D1 के अंदर भी C1 है, C1 के अंदर भी और बहुत सारी डायरेक्टरी ब्रांचेज और सब ब्रांचेज को शो करता है ट्री कमांड। ठीक है, जितनी भी डायरेक्टरी बनी होगी एक के अंदर मल्टीपल डायरेक्टरी बनी होगी ना, उसको देखने के लिए क्या करते हैं, ट्री कमांड का यूज करेंगे। क्लियर है सर? बोलिए बोलिए। हाँ, अगर ऊपर में कुछ होता है इसमें अगर हम देखना चाहते जैसे के नाम बिहार और वो मिल नहीं रहा से सिर्फ फाइल को होता है, फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, उस डायरेक्टरी को डिलीट करके फिर से आपको वहाँ पे नई नई डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा, हो जाएगा आपको चेंज डायरेक्टरी करके। नहीं नहीं, वहीं पे जाकर के आप कर सकते हैं, वहाँ पे ही जाके आपको करना होगा, वहाँ पे आप जैसे कि अगर जैसे सपोज कर लेते हैं A1 के अंदर B1 है और B1 के अंदर C1 है, C1 को आपने D1 कर दिया, यही कह रहे हैं ना? हाँ, C1 को, हाँ तो वहाँ पे आप, हाँ हाँ कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाइएगा C1 के अंदर वो CD करके आप जाएंगे, वहाँ पे उसको आप रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई गलत कर दिया तो फिर नए सिरे से बनाएं, वो नहीं जब समझ में आता है कोई कमांड तब फिर आप नए सिरे से बना सकते हैं, तरीका है। नहीं नहीं, आप चेंजेस कर सकते हैं वहाँ पे जाके भी कर, आप डॉस के थ्रू भी कर सकते हैं और वहाँ पे भी जाके आप चेंजेस कर सकते हैं, विंडो में भी जाके, विंडो में जाकर के आप माउस के थ्रू आप क्लिक कर रीनेम कर दीजिए, फाइल को चेंज हो जाएगा वहां से, फिर आप यहाँ पे डॉस पे आके आप चेक कर सकते हैं, सही हो जाएगा जी। एक हम इसी पे डायरेक्टिव पे एक असाइनमेंट टाइप का दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे या फिर आप सॉल्व करके पोस्ट कर दीजिएगा। फाइल को डिलीट करने के लिए डेल कमांड होता है, डेल डेल DEL डेल कमांड। नहीं, फोल्डर नहीं होगा, फाइल डिलीट होगा, फाइल का पूछेगा आपसे नाम, किस फाइल को डिलीट करना है, डेल स्पेस फाइल का नाम।
इसमें आपको डायरेक्टरी बनाना है। सबसे पहले मेमोरी मेन डायरेक्टरी होगा, मेमोरी के अंदर प्राइमरी फिर सेकेंडरी बनाना है, प्राइमरी के अंदर आना है फिर डायरेक्टरी आपको बनाना है रैम और रोम, और रैम के अंदर दो डायरेक्टरी बनेगी एस रैम और डी रैम। इसके बाद रोम पे आना है, रोम के अंदर पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम की डायरेक्टरी बनेगी सब डायरेक्टरी, फिर इसे एग्जिट होना है और फिर आपको आना है सेकेंडरी पे। सेकेंडरी पे आके हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी और डीवीडी क्रिएट करना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके आप पोस्ट पर करेंगे हम चेक करेंगे, या तो कॉपी पे भी कर सकते हैं या आप डॉस पे जाकर के, हाँ कॉपी भी करके आप हाँ कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप डॉस में करने के बाद स्क्रीन शॉट लेकर के आप ले सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बाकी कुछ कल और थोड़े से कमांड बचे हुए डॉस का और यूनिक्स का भी कमांड करेंगे, यूनिक्स भी आपका है इस चैप्टर में, कल हम आपको कराएंगे आगे। जी हाँ, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मल्टी यूजर है, ठीक है। उसमें भी कुछ कमांड होता है क्योंकि डॉग से डिफरेंट होता है, काम यही सब करेगा लेकिन नॉलेज होना चाहिए ना। आपके बुक्स में दिया हुआ, आप ध्यान से देखेंगे यूनिक्स के भी कुछ कमांड हैं। हम कमांड प्रैक्टिकल भी करके वो बताएंगे आपको, यूनिक्स के भी बताएंगे। कोई बात नहीं, इसका भी हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, आज तो हम थ्योरेटिकल कर रहे हैं, तो वो यूनिक्स का आप इसको करने की कोशिश कीजिए ना थोड़ा सा, ये नहीं होगा जो अब मैंने अभी असाइनमेंट दिया आपको। हाँ ट्राई कीजिए, कोई इशू नहीं है, नहीं होगा नहीं, कोई बात नहीं है, वो हम आपको बता तो नहीं करके बताएंगे आपको, हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे। जितने भी हमने 9 कमांड यूज किया है ना, उन सबको हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे, 9 बता रहे हैं या कल भी जो बताएंगे, ठीक है, वो सारा हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। हम आपको डेट बताएंगे कब करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि डॉस और यूनिक्स दोनों एक साथ बताएं, ठीक है। कुछ और पूछना है किसी को? डीवीडी लिखा हुआ है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, ओके थैंक यू। लैपटॉप पे क्या चंदन? चंदन स्टॉप किए? नहीं चल रहा है, मीटिंग चल रहा है, क्या दिक्कत है?